हे व्हाट्सअप पीपल, मैं नमी सिद्धार्थ, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। देखो, रिसेंटली केरला में टोयोटा के अपकमिंग हैचबैक कार यारिस को स्पॉट किया गया। हालांकि इस बार कोई भी कैमोफ्लेज नहीं था, पूरी ओपन थी कार। आप स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेजेस देख सकते हैं। इसका जो एक्सटीरियर है वो कम्प्लीटली विजिबल है और इससे ये साफ हो चुका है कि इसकी जो टेस्टिंग है वो फाइनल स्टेज में है। तो इसको अगले 1-2 महीने के अंदर इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। वहीं इस कार को ग्लोबल मार्केट में पिछले कुछ सालों से बेचा जा रहा है, वहां पर इस कार ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रखी है। और टोयोटा इस कार की मैन्युफैक्चरिंग इंडियन मार्केट में नहीं करेगी, इसको सीबीयू यूनिट के थ्रू इंडियन मार्केट में इंपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद इसको इंडियन मार्केट में बेचा जाएगा। इस कार के पहले 2000 यूनिट्स इंडियन मार्केट में इंपोर्ट किए जाएंगे, उसके बाद बाकी के 2000 यूनिट्स को इंपोर्ट किया जाएगा। सिमिलरली जिस तरह से टोयोटा वेलफेयर को इंडियन मार्केट में इंपोर्ट किया गया, टोयोटा कंपनी यारिस का 5th जनरेशन मॉडल लॉन्च कर सकती है, क्योंकि 4th जनरेशन मॉडल को ग्लोबल मार्केट में 2019 में लॉन्च किया था। हालांकि यारिस सीडान इंडियन मार्केट में अवेलेबल थी, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है टोयोटा कंपनी ने। उसकी जगह अब बेल्टा लेगी, जो कि मारुति सुजुकी सियाज का रिबैज वर्जन रहने वाला है। तो यहाँ पर टोयोटा कंपनी ने यारिस सीडान कार को इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसके अलावा टोयोटा यारिस हैचबैक की अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो इस कार के अंदर हमें 3 इंजन स्पेसिफिकेशन के ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। कंपनी इसके अंदर 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दे सकती है। इसके अलावा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल भी इस कार के अंदर किया जाएगा और 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल भी इस कार के अंदर किया जाएगा। हालांकि सेम इंजन स्पेसिफिकेशन ग्लोबल मार्केट के मॉडल के अंदर अवेलेबल है, शायद कंपनी सेम इंजन के साथ यारिस हैचबैक को इंडियन मार्केट में उतार सकती है। वहीं अगर मैं एक्सटीरियर लुक की बात करूं, तो कुछ स्पाइड इमेजेस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसका जो रियर का फेशिया है काफी सिमिलर है ग्लोबल मार्केट के मॉडल से और दिखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। इसके रियर फेशिया में एलईडी टेल लाइट का सेटअप आप देख सकते हैं। इसके अलावा रियर वाइपर भी दिया हुआ है, शार्क फिन एंटेना, रूफ माउंटेड स्पॉइलर भी आपको मिलेगा। इसके अलावा इसके जो रियर के बम्पर है वो आपको थोड़े से बड़े मिलेंगे ब्लैक कलर के साथ। हालांकि ये जो मॉडल स्पॉट किया गया है इसका कलर है ब्लैक। वही इस कार के जो एजेस है और स्लोपिंग का डिजाइन है ये काफी ज्यादा कमाल का है। ये जो मॉडल टेस्ट के दौरान स्पाइड किया गया है, इसके ऊपर डायमंड कट अलॉय व्हील्स नहीं थे, नॉर्मल व्हील्स आप देख सकते हैं। शायद प्रोडक्शन रेडी मॉडल के अंदर कंपनी डायमंड कट अलॉय व्हील का इस्तेमाल कर सकती है और इसके जो डोर हैंडल है वो शायद बॉडी कलर के साथ आ सकते हैं। इसके जो ORVMs रहेंगे वो ब्लैक कलर के साथ आ जाएंगे और इसके ORVMs के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर का फीचर भी मिल जाएगा, आप इमेजेस के अंदर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM का इस्तेमाल टोयोटा यारिस के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। वही अगर मैं इसके फ्रंट फेशिया की बात करूँ, तो हालांकि इसके फ्रंट फेशिया में कैमोफ्लेज था, लेकिन कुछ ग्लोबल मार्केट के इमेजेस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके फ्रंट फेशिया में कंप्लीटली LED सेटअप दिया जाएगा। लाइटिंग में LED DRL विद LED हेडलाइट का सेटअप आपको मिलने वाला है। LED फॉग लाइट का सेटअप भी इसके अंदर कंपनी दे सकती है। इसके अलावा इसके फ्रंट के ग्रिल्स आपको थोड़े से नॉर्मल ही देखने को मिल जाएंगे। इसका जो एयर डैम रहेगा वो थोड़ा सा स्पोर्टियर रहेगा। तो इसका जो ओवरऑल एक्सटीरियर लुक है वो काफी ज्यादा कमाल का रहने वाला है। ये छोटी सी हैचबैक कार होने वाली है इंडियन मार्केट में और इसकी जो पोजीशन रहेगी वो शायद टोयोटा ग्लैंजा के नीचे रह सकती है। वहीं अगर मैं इसके इंटीरियर फीचर्स की बात करूं, तो इसके इंटीरियर के कुछ इमेजेस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। इसका जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो विजिबल है और ग्लोबल मार्केट का जो मॉडल है उसके अंदर जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, सेम टाइप का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम टोयोटा के इस अपकमिंग यारिस के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। शायद ये 7 या फिर 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो सकता है। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी इस कार के अंदर दिया जाएगा। इसके इंटीरियर के थीम के तौर पर आपको ड्यूल टोन कलर का इस्तेमाल भी देखने को मिल जाएगा, डैशबोर्ड के ऊपर, सीट्स के ऊपर, अपहोल्स्ट्री के ऊपर। इसके अलावा इस कार के अंदर लेदर का इस्तेमाल किया जाएगा सीट्स के ऊपर, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और डैशबोर्ड के ऊपर। इसके अलावा अच्छे खासे फीचर्स टोयोटा के इस अपकमिंग हैचबैक कार के अंदर दिए जाएंगे। वहीं अगर मैं इसके लॉन्चिंग की बात करूं, तो इस कार की जो टेस्टिंग है वो फाइनल स्टेज में आ चुकी है। शायद अगले 1-2 महीने के अंदर टोयोटा कंपनी इस कार को इंडियन मार्केट में रिवील करेगी, उसके बाद इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसकी जो कीमत रहेगी वो थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, लाइक इसको इंडियन मार्केट में इंपोर्ट किया जाएगा ना कि मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसकी वजह से इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है। लाइक 6-7 या फिर 7.5 लाख रुपए से इसके बेस मॉडल की कीमत इंडियन मार्केट में स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा टॉप मॉडल 10 या फिर 11 लाख रुपए तक चला जा सकता है। तो ये आने वाला समय बताएगा कि टोयोटा कंपनी इस कार की कीमत कितनी रख सकती है। शायद मेरे हिसाब से इस कार की कीमत थोड़ी सी ज्यादा ही रहेगी। तो आपको क्या लगता है इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए? अगर इस कार को इंडियन मार्केट में सर्वाइव करना है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।